यूनिक टीम कैसे बनाएं? ग्रैंड लीग में फर्स्ट रैंक यूनिक टीम ही दिला सकती है और आप लोग भी यूनिक टीम बनाते हो। यूनिक टीम क्या होता है कि जब 50 से 60 लाख लोगों में आप ग्रैंड लीग की टीम ज्वाइन करते हो, जहां 35 से 40 लाख लोगों का विनिंग जोन रहेगा, वहां आप विनिंग जोन से बाहर हो जाते हो, या ऐसा होता है कि आप 60 लाख लोगों में 1 लाख 2 लाख लोगों में आ जाते हो, मतलब कि यहाँ पे 59 लाख लोगों को हरा कर 1 लाख रैंक ले आते हो, तो आपका कहीं ना कहीं यूनिक टीम रहता है, लेकिन आपके टीम में वैसे परफॉर्मर प्लेयर नहीं रहते हैं, या ऐसा होता है कि आप वैसे प्लेयर को ड्रॉप नहीं कर पाते हो जो प्लेयर फ्लॉप होते हैं। तो आखिर इनकी क्या वजह है? तो ड्रीम आप लोगों का माइंड इसलिए हैक कर लेते हैं, वहाँ पे सिलेक्शन परसेंटेज जो होता है ये बहुत बड़ा रोल निभाता है। ड्रीम इलेवन चाहते हैं कि हर कोई खेले, जिसके पास मैच के स्किल ना हो, जिसके पास नॉलेज ना हो, वो भी खेले, तो इसलिए वो सिलेक्शन परसेंटेज दे रखे हैं। और सिलेक्शन परसेंटेज क्या होता है कि आप अक्सर देखोगे कि 50 से 90% तक के प्लेयर का अगर आप एक टीम बनाओगे तो 11 प्लेयर मिल जाएंगे, और यही 11 प्लेयर बड़े प्लेयर होते हैं और अक्सर ऐसे ही प्लेयर परफॉर्म करते हैं, लेकिन इसमें 2 से 3 हमेशा प्लेयर फ्लॉप होते हैं। तो ड्रीम इलेवन तो आपको कहता है कि आपके पास स्किल है तो आप टॉप करो और ग्रैंड लीग को विन करो, तो यहाँ पे इंडिकेट करने का यही मतलब है कि ये जो टॉप के 11 प्लेयर हैं, इसमें आप रिसर्च करो कि आखिर प्लेयर फ्लॉप कौन होंगे। तो इसी चीज़ को आप, इसी बेस पे आपको टीम बनाना है और इसी में से जो फ्लॉप प्लेयर हैं उसको निकालना है। तो इस चीज़ को आप समझ जाते हो तो आपकी रैंक टॉप करेगी। और सबसे बड़ी बात है, ग्रैंड लीग में ही यूनिक टीम बनती है, क्योंकि आप स्मॉल लीग में अगर यूनिक टीम बनाते हो तो देखो, यूनिक टीम बनानी होती है अगर आपके पास स्किल है तो, लेकिन जनरली सेफ टीम होते हैं, क्योंकि यहाँ पे 3 से 4 ही लोग के कॉन्टेस्ट होते हैं, तो ज़्यादातर लोग सेफ टीम लेकर आ जाते हैं, तो यहाँ पे अमाउंट ज़्यादा लगा होता है स्मॉल लीग में, इसलिए लोग ज़्यादा रिस्क नहीं लेते। तो आप यहाँ पे एक चीज़ और देखना कि जब आप ग्रैंड लीग टीम ज्वाइन करते हो तो लास्ट के टाइम में अक्सर लोग गलती कर जाते हैं कि ये जो 17, 19, 27 की कॉन्टेस्ट होते हैं ये टॉप में शो करते हैं, जबकि ये स्मॉल लीग है, सिर्फ ये 19 वाला 4 मेंबर वाला है, बाकी ये 2-3 मेंबर का है। तो यहाँ पे देखो, अमाउंट तो कम है, लेकिन आप यहाँ पे अब अगर खेलोगे तो बहुत सारे लोग हैं जो आपके ओपोनेंट वाला ग्रैंड लीग की टीम लेकर आ जाते हैं, तो ये खेलना सेफ नहीं है, ठीक है। और आप लोग भी यहीं पे गलती करते होगे, स्मॉल लीग खेलते होगे अगर स्टार्टिंग में, तो अक्सर लोग यहीं पे फंसते हैं, क्योंकि मैं एक बेस पे बता रहा हूँ जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है, इसलिए मैं बोलता हूँ कि यार आप लोग, तो इसलिए ज़रूरी है कि आप लोग कमेंट करें, कमेंट से हमें नॉलेज होगा और आप लोगों की सहायता मैं कर पाऊँगा, क्योंकि यार जो सच्चाई होती है ना वो पे ही आपको नॉलेज मिलती है कि हाँ भाई ये फैक्ट है। आप वीडियो देख रहे हो, आपको लगता होगा, और अगर लगता है कि हाँ भाई सही बता रहे हो, तो आप लोग कमेंट करो और वीडियो को लाइक कर देना। जो लोग चैनल पे नए आए हैं चैनल सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को दबा दें, ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन में मिलता रहे। तो इस तरह की कॉन्टेस्ट आप ज्वाइन ना किया करो, और ग्रैंड लीग में यूनिक टीम बनती है और ग्रैंड लीग को जीतने के लिए ही यूनिक टीम तैयार किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे लाखों लोग होते हैं और लाखों लोगों को बीट करना है तो आपको लाखों लोगों से हटकर टीम बनाना होगा। आप ऐसा टीम तैयार किया करें कि आपको लगे कि हाँ यार ये हमारे किसी भी ओपोनेंट के टीम में नहीं होगा, क्योंकि हमने बताया कि ड्रीम इलेवन आपको खुद इंडिकेट करता है, मतलब कि आप एक सेफ टीम की टीम तैयार करो, जिससे आपको मालूम चल जाएगा कि ये टीम फर्स्ट रैंक की नहीं है, मतलब कि अगर यहाँ पे अगर आप 50-60 लाख लोगों में ज्वाइन कर रहे हो तो मतलब 30 लाख लोगों के पास ये टीम है, तो ऑलरेडी आपको इंडिकेट करता है कि यार जब इतने लोग ऐसे टीम बना रखे हैं तो आप उसी में उलझोगे तो कैसे टॉप करोगे। और यही रीज़न है कि यहाँ पे ये टीम हमेशा लॉस करवा देती है सेफ टीम, तो आपका लॉस होता है धीरे धीरे, एक बड़ा लॉस हो जाता है। तो आप अपने स्ट्रक्चर पे टीम बनाया करें, और स्मॉल लीग में आप एक ही रिस्क लें, या तो आपके पास अगर ट्रंप कैप्टन वाइस कैप्टन है तो आप कैप्टन वाइस कैप्टन पर रिस्क लें, वैसे आप सेफ ही टीम बनाया करें। अगर यहाँ पे आप खेलते हो तो आपको एकदम से यूनिक टीम बनानी होगी, अगर आपको यूनिक प्लेयर मिलते हैं। यहाँ पे मैं कभी कभी 19 वाले पे 100-100 कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर लेता हूँ, कब
जब मुझे ट्रंप प्लेयर मिल जाते हैं और मुझे लगते हैं कि ये प्लेयर आज चलने ही वाले हैं और ये प्लेयर किसी के पास नहीं होंगे, वैसा मतलब कि 10% 20% सिलेक्शन होता है और अक्सर नए जो प्लेयर प्लेइंग 11 में ऐड हो जाते हैं तो वैसे प्लेयर पे मैं रिस्क लेता हूँ। और सबसे जो बेस्ट मेथड है इसका, ग्रैंडलीग के टीम में आप टीम स्ट्रक्चर पे भी टीम बनाया करें। टीम स्ट्रक्चर क्या होता है कि आपको जो 11 प्लेयर सिलेक्शन करने होते हैं टीम में, तो आप किन किन सिलेक्शन किन किन सेक्शन से आप कितने कितने प्लेयर को सिलेक्ट करते हो वो आप डिसीजन ले लिया करें। मान लो कि आज के टीम में जिस ग्राउंड पे मैच होने वाला है उसमें हमने 5 बॉलर को पिक किया, लेकिन यहाँ पे 4 ही बॉलर परफॉर्म कर पाए, फिर अगले मैच में अगर इसी ग्राउंड पे मैच होंगे तो ज़्यादातर लोग यही गलती करते हैं कि 4 बॉलर को पिक कर लेते हैं क्योंकि आज के मैच में 4 ही बॉलर परफॉर्म किए, लेकिन फिर पता चला कि यार आज के मैच में 5 बॉलर परफॉर्म कर गए तो भी टीम फ्लॉप हो जाती है। तो आप ऐसा एक नियम बना लें कि हमें 5 बॉलर लेने हैं अगर इस, लेकिन आपको पिच रिपोर्ट मालूम होनी चाहिए तभी आप ये कर सकते हो। बॉलिंग फ्रेंडली होगी तो बॉलिंग सेक्शन में, बैटिंग फ्रेंडली होगी तो बैटिंग सेक्शन में, ऑलराउंडर कंडीशन के हिसाब से लिया जाता है, ये कोई फिक्स नहीं होता है। तो ये अपना स्ट्रक्चर आपको खुद तैयार करना है। मैं किस तरह से किया हूँ, ये जो अभी ह्यूमन T20 वर्ल्ड कप हो रहा है तो कल से स्टार्ट हो गया, तो ये स्ट्रक्चर अगर आप फ्लो करते हो तो ये ह्यूमन वाले में आप ट्राई कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे रन कम बनते हैं और विकेट दोनों टीम ज़्यादातर ऑल आउट होने की संभावना होती है, तो यहाँ पे बॉलर को ज़्यादा विकेट मिलते हैं। तो इस कंडीशन में अक्सर देखा गया कि ह्यूमन वाले में ऑलराउंडर सेक्शन के प्लेयर ही परफॉर्म करते हैं क्योंकि उनकी बैटिंग भी आ जाती है, बॉलिंग भी करते हैं, तो ऐसे बॉलर परफॉर्म भी करते हैं। तो यहाँ पे आपको बॉलर देखना है कि अगर कोई बॉलर है विकेट टिकर जो 3-4 विकेट ले सकते हैं तो वैसे बॉलर को भी आप कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हो। तो ये रूल आप हर एक मैच में फॉलो करो तो आपको बहुत जल्द 5 से 6 दिन में रिजल्ट आपको दिखेगा। और ये नहीं कि मैं ये जो स्ट्रेटजी बता दिया तो इसी पे आपको फॉलो करना है, नहीं, आपको पिच रिपोर्ट के हिसाब से टीम बनानी है। और सबसे बड़ा मैटर है कि आप अपने रूल के हिसाब से कर सकते हो। यहाँ पे चाहो तो आप 5 बॉलर के साथ जा सकते हो, 2 ऑलराउंडर के साथ जा सकते हो, इस तरह से आप अपना एक स्ट्रक्चर तैयार कर लो। तो ये एक स्ट्रेटजी होती है जिससे कि आप जल्दी जीत सकते हो। जनरली लोग गलती करते हैं कि आज 5 बॉलर को पिक किए, कल 4 बॉलर को पिक किए, लेकिन 5 को किए तो 4 आ गया, 4 को किए तो 5 आ गया, तो इस तरह से लॉजिक ख़राब हो जाता है। लेकिन 5 लेते हो तो आप जल्दी विन करोगे। तो यार फाइनल टीम के लिए आप डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में टेलीग्राम का लिंक है, ज्वाइन हो जाना। वीडियो देखने के लिए थैंक